ऐसे पौधे जो मांस खाते हैं, कीट भक्षी होते हैं, भूलकर भी इनके पास मत जाना। नंबर वन, ड्रोसेरा। इस पौधे में 20 से 25 पत्तियां होती है जिनमें छोटे छोटे बाल होते हैं। इन बालों के आखिरी हिस्से पर चमकीला पदार्थ पाया जाता है और यही चमकीला पदार्थ कीट पतंगों को आकर्षित करता है। कीट पतंगे इसे मधु समझकर जैसे ही पत्ते पर बैठते हैं, संवेदनशील बाल मुड़कर कीड़े को पकड़ने लगते हैं और फिर पत्ते से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो कीड़े के शरीर से सारे पोषक तत्व चूसकर अपनी भूख मिटा लेते हैं और कुछ समय बाद कीड़े की मृत्यु हो जाती है और वो नीचे की ओर गिर जाता है। नंबर टू, ब्लैडर वर्ट। बारीक पत्तियों वाला बिना जड़ का पौधा होता है जो छोटे छोटे कीट पतंगों का आहार बनाता है। यह तालाबों में तैरता हुआ दिखता है। इसकी कुछ पत्तियां फूल कर थैली जैसी या ब्लैडर जैसी आकार की हो जाती हैं। इस ब्लैडर के आगे की ओर एक द्वार होती है जो सिर्फ अंदर की ओर खुलती है। ब्लैडर के मुंह पर 3 संवेदनशील बाल होते हैं। जैसे ही कोई कीट इन बालों से टकराता है, ये बाल इन्हें ब्लैडर के अंदर ढकेल देती है और द्वार बंद हो जाता है, जिससे कुछ ही समय में कीड़ा मर जाता है। नंबर 3, नेपेंथीस। इस प्रकार के पौधे के पत्तियों के शिरे पर एक सुग्राही जैसा आकार होता है। यही इसका फंदा है जिससे यह शिकार करता है। यही 2 से 8 इंच तक लंबी होती है। सुग्राही के किनारों पर शहद जैसे दिखने वाली ग्रंथियां होती है और सुग्राही के बीच में एक तरल पदार्थ निकलता है जो कीड़ों को आकर्षित करता है। जैसे ही कीट पतंगे शहद की लालच पर पत्ती पर बैठती है, वो अंदर की ओर फिसल जाती है। चिकनी दीवार होने के कारण कीट पतंगे वापस नहीं आ पाते। सुग्राही के अंदर जो पदार्थ होता है वो कीट पतंगों को सड़ा देता है और उनसे पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। भारत के कई हिस्सों में यह पौधे पाए जाते हैं, खासकर असम राज्य में पाए जाते हैं।